हेलो गाइस तो आज मैं वन शॉट एफ का सेकंड पार्ट ले आई हूँ हाँ गाइस ये ये वन शॉट का सेकंड पार्ट है पार्ट वन मैंने अपने ही चैनल पर अपलोड किया है आप देख सकते हो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जब तक आप लोगों ने पार्ट वन सुना होगा तब तक आप लोगों को पार्ट टू समझ में नहीं आएगा स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है कि हमारा अल्फा जो चौदह साल का है और उमेगा जो पैंतीस साल की है और हमारी उमेगा जो पैंतीस साल की है तो उसको एक ऐसा अल्फा चाहिए जो ब्रूटी प्यार करे वो पूरी तरीके से अनकंट्रोल हो जाए

तो चलो फिर फिर इनफेक्शन स्टार्ट करते हैं एंड आई एम सॉरी मैं इतने दिनों से गायब थी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से जो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी ये भी बहुत मुश्किल से मैंने रिकॉर्ड किया है और आप लोगों के लिए लाई हों तो एन्जॉय कीजिए आज मैं इसमें ही कहूँगी कि बस मोबाइल सामने रख दीजिए और फिर इनफेक्शन सुनिए क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे सीन आने वाले हैं जो कि सबके सामने सुनना अच्छा नहीं लगता है नहीं मतलब वैसे अदर्द या रोमांटिक सीन नहीं है बट वी जो ले को देखना चाहता है लेंजन की बॉडी को तो उस से विंग थोड़ा लेजन टच करेगा और बार, बार बार से लेंजन को ड्रेस हटाने को बोल देगा तो बस यही है और रोमांटिक तो थर्ड पार्ट पे आप लोग देखोगे तो क्योंकि थर्ड पार्ट पे हमारा लेंजन बड़ा हो जाएगा तो वो कैसे बड़ा होगा और आखिर क्या होगा ये तो हमें थर्ड पार्ट में पता चलेगा बट ये पार्ट भी बहुत फनी है और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा और और हाँ एक और बात इस पार्ट को पूरा सुनिएगा क्योंकि इसी पार्ट में जो विंग है वो लेंजन की बॉडी देखने वाला है और बहुत मजा आने वाला है क्योंकि जब वो लेजन की बॉडी देखेगा उसको जितना बड़ा शौक लगने वाला है तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो इतना डरा हुआ होता है क्योंकि लंदन को कुछ पता ही नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं तो जब भी पता चलता है कि लंदन को कुछ पता ही नहीं है तो विन जो एकदम शॉक हो गया था वो एकदम रहा था जो चीज पर भाग जाता है जब विंग ज्यादा क्लोज हो रहा था लेंदन जो चीज पर भाग गया था विंग से डर कर तो विंग को जो कि करता था अल्फा जो ओमेगा को इस तरह करता है और ओमेगा भाग जाती है तो को वही मोहम्मद याद आ रहा था और यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है और बैठ कर भी आ चुका है तो फिर इसको कुछ क्यों नहीं है पता? तो, इसमें जो आगे करते हैं। तो हमारे सिंह हो गया था हमें अगला सिंह दिखाते माँ लंदन का हाथ पकड़ के खींचते रूम में लेके जाती और रूम के अंदर कर देती और रूम का गेट बंद कर देती और बोती है और लेंदे के सामने आती है के शोल्डर पकड़ लेती झुक जाती थीजन छोटा है ना

सब लाता है कि नहीं मुझे नहीं है याद तुम माँ बोलती है नहीं है याद कि तुम्हें नहीं है याद तुम जो याओ को हट करने वाले थे बट अच्छा हुआ जो मुझे पता चल गया याओ ने जो अपने आपको रूम में बंद किया था तुमसे बचने अपने आप को तुमसे बचाने के लिए उसने जो अपने आपको रूम में बंद किया था याद है तुम्हें तो लंदन जो बोटा है हाँ याद है मुझे मुझे याद है याओ मैं अपने आपको रूम में बंद किया था तुम लंदन की माँ बिल्डर गई थी अब ती हाँ वही दी याद है ना तुम्हें सोम लंदन है हाँ मुझे याद है

मुझे नहीं है पता कि मैं क्यों याओ याओ को पकड़ना चाह रहा था मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था और याओ की बोरी से बहुत बिल्कुल आ रही थी याओ से बहुत आ रहे थे जो कि मुझे बहुत सी रहे थे था कि ये मेरे बहुत करीब हो पूरी तरीके से लंदन जी चेतावनी स्मार कर रहा था बोला लंदन के मैं एकदम शौक लंदन के देखे गए थे लंदन जो बेहद स्मार करते हुए सब बोला था मैं याओ को था तो लंदन के शौक हो जाती है को कुछ है। पागल हो गया क्या वो तुम भाई है तो तो कुछ करना थे? तो नहीं चाहता था पकड़ना तो चाहता था क्योंकि मुझसे बहुत दूर हो रहा था तुम तो माँ से पकड़ क्या करना चाहते थे तुम उसके साथ तो नंदन बता पकड़ के बस पकड़ना चाहता था मैं चाहता था वो मेरे बहुत क्लोज हो क्योंकि मैंने एकदम उसको हक भी किया उसने मुझे बहुत भी तरीके से दूर कर दिया था और मुझसे भागने लग गया से पीछे भाग रहा था क्योंकि उसे खराब मन अच्छे लग रहे थे और वो मेरे से भाग रहा था तो वो घर पे आया और उसने अपने बंद कर दिया तो माँ तो लंजन तो दीपी माँ बोलती है हाँ मैं भी यही कह रही हूँ की माँ जो याद करती है वो दिन लंदन की माँ बोती है टाइम पर मुझे पता चल गया जब मैं घर पर आ गए तो किया था इसके तो साथ क्या करता इसके साथ क्या करता कि है हाँ। अब इसको पता चलेगा ना इस क्वेश्चन पूछ ली तभी तो इसको पता चलेगा वैसे तो मैं साफ साफ नहीं बता सकती हूँ मैं इसे किस बताऊंगी नहीं नहीं मैं अपने बेटे के साथ ऐसी बातें नहीं कर सकती मैं पर इसे कैसे बेटी कैसे मिलाऊंगी होती है तो चलो इंसान नहीं, 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 को भी नहीं बता सकता है मिसाल नहीं, नहीं, के, के तौर पर तुम जरा सोचो अगर उसे तुम्हें याओ, मिल जाता, तो तुम क्या करते याओ? तो लंदन जो मैं आंखों को हक करना चाहता था तो लंदन तो माँ बोलती है ओ भाग करना चाहते थे भाग तो तो से ही काम चल जाता तुम्हारा तो लेंजन बोलता है हाँ तो उस टाइम तो आओ कि मुझे आओगी बहुत अच्छे लग रहे थे तो काम चल जाता तो माँ बोलती अच्छा मदर मतलब से भाग करना चाहते थे तो लंजन सोच कर देखो तुम कुछ और नहीं करना चाहते थे उसके साथ सोचता है

तुम्हारी चीखने की आवाज इतनी हॉरिबल थी तुम बस गेट तोड़ने ही वाले थे अपने रूम का तो लंदन मुझे शौक नहीं हो आ, और बोलता है कि क्या मैं मैंने वो सब किया था तो लंदन तुम्हारा क्या मतलब तुम्हें कुछ याद नहीं है तो लंदन बोलते मुझे नहीं याद तो लंदन तुम्हारा शौकन हो जाती है और बोती अच्छा कुछ नहीं याद हाँ ये याद है तुम्हें कि तुम यहाँ को पकड़ना चाहते थे और तुम जो उस, उसके पीछे पीछे घर तक आए और तुम्हें उसके बाद कुछ नहीं है याद तो लंदन बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं याद मुझे बस यहाँ के फिर हम उ रहे थे और मुझे बस वो फेराम चाहिए थे अपने गरीब वो आओ जो मुझे अपने आप हक करने नहीं दे रहा था तो स्मेल करने मुझे नहीं दे रहा था तो, तो ये जो को देखती लंजन तुम्हें तुम सिर्फ उसको तुम उसको तुम भाग नहीं करना चाहते थे तुमने उसके पूरे हाथ पर इतना भाग किए थे कुछ याद है तुम्हें तुमने उसके बाजू पर इतने भाइक किए थे इतने बुरे बुरे निशान थे अभी माँ दिल में थैंक इसने इसने उसको माफ नहीं किया की दिया है मतलब उसको बताने की कोई जरूरत है ही नहीं बस इसके रेड पर आने का इंतजार करना होगा ये रेड पर आ गया ना तो जो जो भी ये चाहता है जिसकी करीब होती है वो फिर अपनी मेघे के साथ कर ही लेगा की यही सोच रही थी और स्माइल कर रही थी और यही बोल रही थी कि वो ही। इसकी छोटी एज पर मत जाओ ये रेड पर आता है ये बहुत बुरा होता है की मैं यही सोच रही थी और स्माइल कर रही थी और लंद को देख रही थी और लंद ने जो सरसा फेस बनाया था यही सोच रहा था कि क्या होता है क्या करना पड़ता है अब याद आता है लंदन को तो अपने दोस्त याद आ जाते हैं लेंजन बोलते हैं हाँ वो मुझे बता सकते हैं अभी लंदन जो ऐसा कर है अभी माँ को देखता है और लंदन की माँ जो किसी सोच में पड़ी हुई थी कर रही थी तो लंजन अपनी माँ को देखता है माँ के पास जाते है और माँ को जाती है क्यों क्यों तो हैं माँ, तो मा, तो माँ मैं बाहर जा रहा हूँ अपने खेलने के लिए तो लेंजे तो हाँ बोलती तुम अभी तो आये हो लकड़ियाँ तोड़ो मुझे खाना पकाना है पकड़ लेना तो लेंजन तुम माँ बोती है लंदन लकड़ियाँ तोड़ो रात के खाने के लिए मुझे लकड़िया चाहिए लखनऊ एक भी लकड़ी है चलो की कोई जरूरत नहीं है तो वहां पे थोड़ी देर के लिए मुझे अपने तो के बोला ना लकड़ियाँ तोड़ो बोले सामने गुलाली रखी हुई चल जाओ अपना काम करो मैं रही हूँ पानी लाने के लिए मैं जा रही हूँ पानी भरने के लिए घर में पानी नहीं मुझे भी पानी लाना पड़ेगा तुम लग रहा तो तुम लंजन बताया आप जो हो अभी, अभी, अभी आपने खाना भी पकाया और पानी भरने के लिए हो वो वो उठेगी ना वो आप लोग जो लेकर आए हो तो लंजन की माँ बोलती है कौन तून बताओ वही है ओल्ड तो उसको तो बेहतर रहेगा क्योंकि वो तो कहीं से नहीं दिखती तो अपनी माँ को देखते हैं माँ हो जाइए जो भी है ब्यूटीफुल है मानता हूँ ब्यूटीफुल है बट तो है ना अब मुझे देखिए और उसको देखिए बड़ी मेरे पीछे तो लंदन की मार लेकिन देखिए अब बोती मैं पीछे हाँ भी लाइ गु अभिंदन की मार जो लेंद्र के साथ नहीं तुम्हें क्या किया था उसके वॉशरूम में चले गए नहा रही थी तुमने सब बदतमीजी करने की कोशिश की तो लंजन बोलते मैंने कुछ भी नहीं किया है वो झूठ बोल रही है वो झूठ बोल रही थी तो रंजन की माँ बोती अच्छा कोई महंगा तीन साल नहीं करवाती है ऐसा बोलकर हमेशा ऐसी बातें हर महंगा छुपाती है पर उसने बोला है तो मतलब तुमने कुछ ज्यादा ही कुछ किया होगा जो उसके से बाहर थे और उसने जो सब पंचायत के सामने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला तो रंजन चलिए माँ को देखते बोले माँ ऐसी कोई बात नहीं तो की माँ बोलती जाओ तुम्हें दोबारा मुझे वो याद मत दिलाओ मेरा इतना बदतमीज बेटा हो सकता है मैंने को सोच नहीं था जाओ लगने करो काम करो बदतमीजी करने आती है अब बोलिए मुझे कुछ पता नहीं है अब अपने कुछ शरीर बना रहे हो हाँ और अपनी माँ की वाले सोचा लेने के बाद को जाओ हो रही गुलाड़ी रखी हुई है लकड़ियाँ तोड़ो रात का खाना रात के खाने के लिए लकड़ी भी रात का खाने में कैसे पकाऊंगी लकड़ियाँ तोड़ो और लंदी के माँ जैसे कर गेट खोलती है और है लकड़ियाँ वहाँ पे रखना जहाँ पे बारिश का पानी उसको नहीं लगे मैं जा रही हूँ पानी भरने के लिए अच्छे से लकड़ियों को काट के सारे में रख देना मैं पानी भर कर फिर बैठ कर खाना खाते हैं तो लंदन जो अपनी माँ को देखता है माँ जो ऐसा बोलते जा रही थी और लंदन जो रूम में ही खड़ा था

अब लंजन जो खुद हाड़ी को उठा लेता है अब विंग को दिखाता है और बताया लगे काट रहा हूँ अगर तुम्हें तो नजर आता है तो लंजन जैसा बोलकर में आ जाता है, है अंदर आओ तो लंजन जो जब जाता है मैंने कहा अंदर आओ तो लंजन जो बता है नहीं मैं लगे काटा लंजन जो विंग से नजर को हटाता है बट उसकी नजर विंग की तरफ जा रही थी उसको बहुत अजीब सा देख रहा था नजर को हटाने की कोशिश करता है हटा नहीं पा रहा था

तो जैसे ही हाथ पकड़ लेता है और विंग जो अंदर लेकर जा रहा था जो छोटे मेरे हाथ तो जो आसपास के सब नेबर्स जो आवाज निकाल देते कि वाव सब ये वा दूसरा बोलते कितने ब्यूटीफुल है तो तीसरा बोलते ये कौन है ये लेंसें की कर से कौन निकल आई तो चौथा तो एक अल्फा होता है वो बता क्या आफत है ये सब आवाजेन और विंग सुनता है तो ये दोनों जब आस पास देख हैं तो सब नेबर्स जो शौकीन नजर से विंग को देख रहे थे विंग जो उन सबको देख रहा था Ooh, सब नेबर जो विंग को देख रहे थे और सबको देख रहा था और सब जैसे देख रहे थे इन लोगों ने कोई बहुत ब्यूटीफुल चीज देखी है तो सब जो विंग को देख रहे थे और सब एक एक कदम जैसे स्लोली स्लोली विंग के करीब आ रहे थे तो विंग जो सबको देख रहा था तो में जो फिर इसमें से एक नेबर बोलती है क्या तुम हो लेंग की उमेगा तो विंग जो उस लेडी को देखता है तो विंग जो अपना साहे है कि तो जब वो हूँ करता है से मुँह करता है तो सब जो स्माइल कर रहे हैं और विंग को देख रहे थे तो तो लंजन तो सबको देख रहा था और बोलता है क्या इन लोगों ने कभी कोई उमेगा नहीं देखी है क्या इतने में हो गए हैं अब लंजन बोलता है बोलता है लोग इतने इतने विंग को शौक में क्यों है अभी लंजन जब भी नजर उड़ाता है विंग को देखता है तो विंग पर जिसमें लाइट आ रही थी तो विंग का फेस जो बहुत शाइन मार रहा था तो लंजन एकदम से शौक हो जाता है क्योंकि विंग बहुत ज्यादा चमक मार रहा था

शादी से करवा दी तो लंजन जो सर हो जाता है कि कि तो एग्जाम लगा रहा था तो वही जो हिलाता है मैंने ऐसा कोई बदतमीजी नहीं किया झूठ बोला था तो, तो, जो जो तो सुन ही नहीं रहा था वो बस को ही देख रहा था पागलों की तरह और लेंजन जो नेबर को देखा था तो इसी में जो वही ओल्ड नेबर आ जाता है जिसने कहा था कि कभी भी अपने उमेगा के साथ घर काम मत करना याद है

तुम मुझ पर इतना हुक्म फिर इन गुस्सा हो रहा था तो जब देखता है कि आसपास के नेबर जो को ही देख रहे थे तो कहता है और बताएके कहा तो अंदर, अंदर आओगे ना तो फिर मैं तुमसे बात कर लूंगा तो मंदिर जो को देखता है और नहीं मैं अंदर आऊंगा ही नहीं तो लेकिन तो बताया कि क्यों तुम्हें अंदर आना होगा ना कभी तो आओगे ना तब मैं बात करूंगा ठीक है आराम से लग रहे हैं कहा मैं तुम्हारा अंदर वेट कर रहा हूँ अविंगे सब गुस्से में बोला तो जो काम करता है मम्मा को बोलूंगा दो दो बताए। मैं भी मेरी देखूंगा तुम्हें तो कैसे बचाती है मुझसे तो को देखा था वो बताए आराम से ले हैं काटो मैं अंदर जाता हूँ सूरज तो के मतलब सनलाइट से अपना फेस बचाने के लिए उसने अपना हाथ अपने बगे पर रखा था ताकि सूरज की रोशनी मेरे फेस पर ना लगे जो सनलाइट भी अपने फेस पर नहीं लगने देता था वो इंग कितनी अपनी केयर करता था ये है गाइस जब आप अपनी केयर करोगे ना तो उतनी ही आप ब्यूटीफुल देखोगे और अगर आप अपने आप को ढीला छोड़ दोगे यहाँ पे मैं हूँ ब्यूटीफुल तो एक नए दिन की खूबसूरती डाल जाने तो अपने क्या किया करो हमेशा फेस के मामले में कोई सस्ती चीज यूज मत किया करो महंगी से महंगी चीज होती है ना तो अच्छी होती है तो चलो करते हैं तो अंदर है तो चला जाता है।, और होता है यू मेरे पर ऐसे हुक्म रहा है जिसकी मेरा हस्बैंड है अभी तो ये मेरा हसबेंड है इतना छोटा हस्बैंड मेरी शादी हो गई है कि मत है मेरी मेरी चांदी आज दूसरा दिन है और मैं भी मैं भी तो बोल रहा था और इनका गोस्से में था और अपने रूम में चला जाता, जाता है अपने रूम के पर ले जाता है। उल्टा और रो रहा होता है और मेरी किस्मत ही खराब है और तक को मार रहा होता है इसलिए हमारा सिंह कर जाता है हमें अगला सिंह भी लकड़ियाँ काट लेता है और वो जो लकड़ियों को अंदर लेकर ही जा रहा था चार में रख रहा था इसी में जल की मार जाती है मटकी को अपनी पर रखी हुई थी और वो आ रही थी अपने पसीना साफ पोछते आ रही थी

है, गी हो गी ना, खाना दे रही हूँ तो आप भी देखिए दे थकी हुई आई हो वो खुद ही लेगा ना अपने लिए तो लंदेन तुम तो माँ बोती लहनसन उसकी खुद ही शादी हुई है अब से वो काम नहीं कर सकता है ना तो लहसन कभी माँ को देखता है माँ जो बहुत खुशी को खाना डाल के दे रही थी के लिए खाना डाल रही थी तुम्हें आप इसमें भी आप इसमें खाने की डाल रही हो

तो है, बोला ना लेकर आओ तो ओके, अब बताया जाता है गिलास से पानी लेकर आता है तो जो आता है वो लेकर जा रही थी तो लंदन जा रही हो तो लंदन तुम ओहो ओह के रूम में आओ मेरे पीछे पीछे तो लंदन बोते मैं क्यों आऊ उसके रूम में तुम आती है क्योंकि तुम्हारे हाथ में पानी है ना तुम इनके तुम्हारे हाथ में पानी है देखो मेरे हाथ में मेरे हाथ मेरे हाथ फ्री नहीं है ना ताकि मैं पानी के गिलास पकड़ सकूं तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी ना तो लंजन बोलते क्यों मां तुम इनकीयर कर रही हो कभी आप मेरे लिए तो रूम में खाना नहीं लेकर आई हो आप तो हमें जो डाल के मुझे बाहर मंगवाती हो और मुझे अपने साथ बैठ के खिलाती हो और आप इनके पास खाना लेकर जा रही हो तो लंजन की माँ बोलती है कि तुम मेरे बेटे हो तुम्हारे पापा में मुझे खाना खाना अच्छा नहीं लगता है ना तो बोलते तो आप लंजन लिए रूम लेके जा रही हो उसको भी बाहर आना होगा हमारे साथ खाना होगा तो लंजन की मांग बोलती है जरूर वो हमारे साथ ही बाहर बैठे खाएगा बट अभी अभी उसकी शादी हुई है ना आज दूसरा दिन है ना देखो कल पर शादी होकर आई है तो इस तरह लोग नहीं करते हैं ना तो जब तो माँ को देखता देख रहा था, और है, और बोलता है आप बहुत बुरी हो आप बहुत ज्यादा हो मुझे नहीं लगता है कि इनकी याओ की इनकी घर वाली केयर करते होंगे तो माँ को अच्छा याद आ जाता है तो माँ एकदम शक्न हो जाती है और बोतिये हर किसी की अपनी किस्मत होती है या की किस्मत में क्या है वो हमें क्या पता तुमसे अपनी माँ को देखता है

तो लंदन की माँ जो को देखती है जो स्मायल करता है की माँ को तो वही बताया आप खाना क्यों लाई आपने आप, आप, आपको तकलीफ दी मैंने आप खाना क्यों लेकर आई मुझे भूख नहीं लगी थी मुझे भूख नहीं थी तो इसमें जो लंदर की माँ को थी ऐसे कैसे भूख नहीं थी खाना नहीं खाओगी तो तुम यही को जाओगे ना और फिर जब तुम अपनी माई के जाओगे तो नहीं तो वो लोग समझेंगे कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं करते खाना नहीं देते हैं तो वही जो लेने की माँ को देगा था लेने की माँ को दी है और मैं भी को नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे घर वाले ऐसे सोचे कि हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते तो वही जो बता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मेरे घर वाले ऐसे नहीं सोचने को इसमें जलंजन की माँ होती है क्या हुआ तुम्हें तुम्हारे घर वाले याद आ रहे हैं तो विंग शौक हो जाता है और विंग सर ही लाता है कि नहीं तो सरजन की माँ बोती भी है भी, मैं एक माँ हूँ मुझे पता चलता है कि सामने वाले का क्या मूड है तुम रो रहे थे ना तो लंजन जब भी माँ को देखते हैं लंजन एकदम शौक हो जाता है कि माँ तुम कैसे पता चला कि रो रही है विंग इतना शौक हो जाता है तो लंजन की माँ बोती है विंग मैंने तुम्हें कहा था ना कि किस्मत में लिखा था इसी को एक्सेप्ट करो बस थोड़ा वेट करो मेरा लेंजेन बहुत जल्द मेरा लेंजेन इस लाइक हो जाएगा जिसको तुम फख्र से कह सको कि ये मेरा अल्फा है मुझे पता है ये छोटा है तो तुम सेट हो क्योंकि इसको तुम्हें अपना हस्बैंड कहने में शर्म आती है ना तो विंग एकदम शौक होता था लेकिन माँ को देख रहा और की माँ जो विंग को देखिए माँ की बात सच थी विंग को यही बात बहुत बुरी लग रही थी कि लेनजे इतना छोटा है और इसको मैं अपना हस्बैंड

तो रिंग तो सैड होता है अपनी नजर को नीचे किया होता है लंदन की मांग होती है बस थोड़ा वेट करो फिर तुम लेंदर की सब होकर जो खाना लाई थी वो इनके बेड पर रख देती है कर आती है रिंग के पास अब इनके खड़े खाने खरीदा बेड के बाद फिर तुम जब लंदन को देखोगी ना तो तुम अपने आप को बहुत लकी हूँ मैं मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे ऐसा अल्फा मिला है तो लेंदेन की माँ की बातें को सुनता है वो यकीन नहीं करता है कौन यकीन करता है

लंदन जो बाहर गेट के पास ही खड़ा था गिलास हाथों में गिलास का पानी पकड़ के गेट के पास ही खड़ा था तो लंदन की माँ जो इनको बोलते जाओ खाना ओके जाओ आराम से खाना खाओ और लंदन की माँ ऐसा बोलकर जो होते हैं मैं जाती हूँ सुबह के खाना खाओ और जब रिंग के रूम से बाहर आती है तो वो देखती है की लंदन बाहर ही खड़ा है गिलास उसके हाथ पका हुआ है तो लंदन की माँ बोलती है लंदेन अंदर जाओ ना गिलास पानी रखे आओ इनके लिए तो लंदन जो बोलता है ओके माँ और जैसा लंदन जो जाए अब लंदन की माँ जो रूम से बाहर आ गई थी अब लंदन जा रहा है रूम के अंदर गिलास पानी रखने के लिए और लंदन जैसे ही रूम के अंदर जा रहा है लेंदर की माँ जो लेंदर तो के रूम से बाहर आ जाती है तो विंग के रूम से बाहर आ जाती है और किचन में जाती है खाना डालने के, के लिए, लिए। तो किचन अब लेंजन गया है पानी के गिलास के रूम में बेड पर जो खाना रखा हुआ था उसके पास रखेंगे जैसे ही जाता है वो पानी को रख देता है खाने के पास और लेंदर जैसे ही खा है तो लंदन को गेट की बंद होने की आवाज आती है लंदर शौक हो जाता है फिर लंदन जब अपना फ्रेशता है जो रूम का गेट बंद कर दिया था और विंग जो लेंजन को देख रहा था

तो तुम तुम क्या कर रहे हो बेटे खान खाना खाओ मोम ने तुम्हारे लिए खाना ला है खाना खा मेरी जाता हूँ हाँ मोम मैं आ रहा हूँ अब ऐसा बोलकर जा रहा था लेने रूम के गेट के पास जा रहा था गेट के पास लेने को पकड़ लेता लेने की ड्रेस को पकड़ के खींच लेता है लेने को झटका लग जाता है तो लेने गिरने वाला था तो विंग पकड़ लेता है पकड़ लेता है अब लेने गिरने वाला था तो विंग को कैंस कर लेता है तो जो एक दूसरे को देख रहे थे

मेरी फटी हुई ड्रेस में, में बाहर जाऊंगा तो तुम मुँह क्या सोचे क्या कर रहे थे तो तो विंग जो मुंह बना लेता है और बोलता है आ तुम्हारी ड्रेस यहाँ पर बहुत सारी पड़ी है इस तुम्हारे कपड़े हैं याद है नहीं तुम्हारा रूम है तो लंदन को याद आता है हाँ मैं तो भूल गया था ये तो मेरा रूम है, है, तो है जल्दी से अपने कपड़े उतारो अपने कपड़े टाइट पकड़ लेता है और है नहीं मैं नहीं है अच्छा नहीं उतारोगे तो विंग बोलता है नहीं तो है नहीं तो मुझे ही खुद ही करना पड़ेगा

तो बिल्डिंग बता देखो मुझे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है तुम तो मेरे साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हो तुम्हें तो कैसे मुझे देख सकते हो ये जगह कोई किसी को नहीं दिखाता है तो बताए मैं तुम्हारा उमेगा हूँ तो मुझे तुम दिखा सकते हो तुम लगे बता जानता हूँ शादी होने के बाद अब मैं तुम्हारा अल्फा हूँ तुम तो मेरी उमेगा हो पर ऐसे तुम मुझे नहीं देख सकती होने की तो विंग बोलता है आ, तो कुछ भी नहीं बोता है पता है इसे कैसे हो सकता है अभी विंग को है तुम अल्फा हो तो अभी लंदन बोलते हैं मैं अल्फा हूँ तो है अब तुम तुम्हें कैसे पता चले तुम अल्फा तो लंजे बताए क्योंकि मैं रेड पर आया था, पर था तो लंजे विंग है हाँ रेड पर आए थे ना तुम तो रेड पर आने के बाद तुम्हारा क्या करने का दिल कर रहा था तो विंग तो लंजे बता कि किसी चीज़ का दिल नहीं कर रहा था तो वही बताए ऐसे कैसे हो सकता है तुम एक अल्फा हो तुम रेड पर भी आए थे तो कुछ तो करने का तुम्हारा दिल कर रहा होगा वैसे तुम रेड पर कब आए थे तो विंग तो लंजे है पिछले महीने तो विंग वही है मतलब एक महीना पूरा होने वाला है ये दोबारा रेड पर आने वाला है तो वही बताए कि रेड पर आए थे ना तुम तो विंग तो है तो लंदन बताएँ बताए तुम्हें तो पता होगा कि अगर एगोम के साथ क्या करना चाहता है तो लंदन बोल मुझे नहीं है पता मुझे नहीं है पता तो भी बताए रेड के दौरान तुम कुछ करना नहीं चाहते थे तो वो लंदन बोत मुझे नहीं है याद तो भी बोतें ऐसे कैसे नहीं है याद याद करने की कोशिश करो तो लंदन बताओ मुझे नहीं यार मुझे कुछ भी नहीं है याद अवरेज़ में जो अचानक से लंदन की माँ की आवाज़ आ जाती है कि लंदन आ जाओ मैंने खाना लगा दिया है आओ खाना खाते हैं

तो लंजन जो डर जाता है और क्या हुआ तो इसमें जो बताए नहीं तुम्हें लगता होगा मजाक है ना जो तुम मेरे को यहाँ पर शादी करके ले आए हो और मुझे पे तुम्हारे साथ रहना होगा सिर्फ रह ही होता है क्या तुम्हें मतलब मतलब? खाना खाने के लिए आई हूं यहाँ तो लंजन इनको देखता लंजन जो शौक में होता है और वो गुस्से को देख रहा था बताओ मुझे झड़कता है तुम्हारी शादी क्यों हुई मेरी मेरी शादी शादी तुम्हारे साथ क्यों हुई? का आने वाली है और 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 मैं जो वर्जन और शायद अभी दस साल और वर्जन शायद मुझे साल पड़ेगा तुम्हें दिमा कुछ पता है और ना तुम कुछ करने के लायक हो तो लंदन जो में हो जाता है, है। मैंने कहा खोल गया ड्रेस अभी ड्रेस को खोल रहा था लेंजन को देखना चाहता था वो लेंजन

और विंग जैसे ही सही लेंदन की चौधर को खोलने वाला था कि इसमें जो अचानक से इसमें जो अचानक से रूम का गेट खोल जाता है सामने तो ले माँ बोलती है कि लेंदेन सबसे तुम्हारा वेट कर रहे हो चलो ना विंग और लेंदेन दोनों ही शक हो जाते हैं लेंदन तो अपने हाथों को चौधर से हटा देते हैं और विंग जो बस नीचे के बैठा हुआ था तो विंग जैसे नीचे बैठ जाता है और लंदेन जो अपनी माँ को ये नहीं दिखाता है कि विंग वे ड्रेस खोला था लंदन जैसे अपनी ड्रेस को बांध देता है और नॉर्मल होता है नॉर्मल हो जाता है जैसे फेस फेस वाइस छोटे से स्माइल ले आता है और अपना फेस पलटता है और बताए हाँ मैं बस आ रहा हूँ मां इसलिए हमें एक अपनी माँ के पास बैठा हुआ है खाना खा रहे हैं और लहनसन से थोड़ा सा लहनसन के दिमाग में भी की बातें ही गूंज रही है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ खाना खाने आया हूँ सिर्फ मैं अपना घर छोड़कर यहाँ पर आया हूँ सिर्फ खाना खाने के लिए तुम्हारे साथ रहने के लिए क्यों मैं अपना घर छोड़कर यहाँ आया हूँ क्यों होती है दो पर्सन की शादी क्यों होती है दो पर्सन की शादी ना तुम कुछ कर सकते हो ना तुम कुछ करने की हो ना तुम्हें कुछ पता है ना तुम कुछ कर सकते हो ना तुम कुछ करने के हो लंदन के दिमाग में यही सारी बातें गूंज रही होती है लहनसन जी यही सोच रहा है और अपनी माँ को देख रहा हूँ उसकी माँ जो नॉर्मल होकर खाना खा रही है वैसे में जो लंदन अपनी माँ को देखता है अभी दोनों खाना ही खा रहे हैं तो लंदन जो खाना खाते खाते अपनी माँ से पूछता है माँ शादी लोग क्यों करते हैं तो लंदन की माँ जो लंदन को देखती है और बोलती है लंदेन तुम्हें बताया था ना फैमिली के लिए फैमिली बढ़ाने के लिए तो लंदन होता है माँ और वो कैसे बढ़ती है तो लेंदन की माँ चलेन को देखती अब वो गुस्सा हो जाती वो बोली लेंदेन मैं ये तुम्हें नहीं बता सकती तुम्हें ये खुद ही पता करना होगा मुझसे ऐसी बातें मुझसे ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो लेदेन की माँ गुस्सा हो जाती है तो लंदन जो एकदम शकन हो जाता है इसमें जो हमारे सिंग हो जाते हैं हमें रात को सिंग दिखाती रात होती लंद जो अपने रेबिट को रेबिट के पास बैठा हुआ था और रेबिट की जो कान कटा हुआ था लंदन उसकी उस पर जो लेंदन ने पट्टी लगाई थी लैदन उसी को चेंज कर रहा था और रेबिट के आगे जो खाना रखा था उसको तो चेंज कर रहा था तो रेबिट की जगह को क्लीन कर रहा था रेब को अच्छे से क्लीन करके रेड के बैंडेज को चेंज करके लेबिट को खाना खिलाया रेबिट जो आज आज भी कुछ नहीं खाता है कुछ नहीं खाता है खाना ऐसे ही रख रह�� रहा है कि जो खराब हो जाता है तो लेंदेन जो रेबिट की जगह को क्लीन करता है रेबिट का पूरा अच्छी तरीके से केयर करके के लेंदेन जेबेड को दवा पिलाता है जड़ी बूटी पिलाता है ताकि ठीक हो जाए क्योंकि रेबिट आज भी वीक था तो ऐसे में जो लेंदेन जो रेबेड को सिला कर लेंदेन आता है लेंदेन जो लेविन रूम में ही सोचा लेंदेन के पास अपने रूम में नहीं जाता है

क्यों देखना चाहते हो तुम्हें पता है कि मेरी और तुम्हारी शादी हुई है तुम्हें कैसे पूछ सकता हूँ शादी हुई है ना पता है ना तो शादी का मतलब हाँ मुझे पता है कि तुम्हें नहीं है पता जिस तरह के तुम बिहेव कर रहे हो तो ऐसा तो कोई भी समझ जाएगा कि तुम्हें नहीं है पता इसलिए तो मैं आप तुम्हें बताऊंगा कि हम दोनों की शादी हुई है तो हम दोनों का एक दूसरे पर क्या हाक है ये भी तुम्हें पता चलेगा तो लंदन शक्म हो जाता है तो लंदन के सामने के सामने की शोल्डर लंदन की फिंगर रहता है शादी का मतलब कि ये मतलब की बॉडी मतलब अगर वे अपने बोरी की तरफ इशारा करता है अब बताए ये तुम्हारा है

अपने ड्रेस पका मुझे तुम्हें तो देखना है तो भी, तो 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 देखना है क्या देखना है मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा तो वे बताया नहीं दिखाऊंगी तो बता नहीं तो बता। अगर मैंने जबरदस्ती देखने शुरू कर दिया ना तो तुम रोते रहोगे और देखो कितनी रात हो गई है तुम्हारी हेल्प कौन करेगा अब तो तुम्हारी माँ भी सोई है तुम भागते हुए कैसे जाओगे तो लंजन जो बता है देखो मैं जोर से दिखूंगा तो बताए को मैं तो डर गया

बट पंचायत वो लेंजन के बजाय विंग को सजा दे दी इस अल्फा के साथ इसकी शादी खराब है तो को मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वे वहां दो अल्फा चाहता था जो मुझे ब्रूटली प्यार करे बहुत अनकंट्रोल हो जाए और मुझे भागलों की तरह प्यार करे वेंग ऐसा चाहता था बट तो ये अल्फा तो ब्रूटली किसी भी तरह का प्यार नहीं कर सकता है विंग के साथ तो वेंग जो लहजन को देखो विंग वाजा हो जाते हैं जो लेंजन की

गुस्सा जाता है वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई हाँ तुम ये बोलो कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई तुम जानते भी हो लोग हर अल्फा मरता था मुझसे शादी करने के लिए तो लंदन जो से देखता है अविंग जितना तो गुस्से में था बोलता है तुम बोल रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई हाँ तो लंदन बोलते हैं नहीं मेरा जो ड्रेस उतारो आज तो मैं तुम्हें के रहूंगा तो लंदन की को खोलने के लिए स्टार्ट हो जाता है करता है की को करता है तो अपनी नहीं देता हैल है हो है को आखिरकार जैसे ही घोल देता है तो लंदन के ऊपर ड्रेस जो विंग निकाल कर खींच लेता है और वो लेंदन जो शौक हो जाता है लंदन के अंदर एक वाइट पटली शर्ट रह गई है तो लंदन शौक होता है तो लंदन जो

और अगर तुमने नहीं किया तो बता नहीं, नहीं किया तो तो फिर तो तुम तो 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 जो जो करोगे तुम तो जो करना चाहते हो मेरे साथ तो तुम कर सकते हो बट प्लीज मुझे एक मौका दो मैं तुम्हें तो नहीं दूंगा तो 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 देख रहा था अब अच्छा मैं जो कहूँगा तुम करोगे हाँ तो बोले हाँ तो बताया ठीक है तो फिर एक बोल ठीक है हमें अलग से ये बेड पर लेटा हुआ था अभी जो उल्टा लेटा हुआ था अविंग जो था है सही से पढ़ो ना तुम अटक क्यों रहे हो तो लेंदन जो खड़ा हुआ था के हाथ में वो बुक पकड़ी हुई थी पिक <laughs> का देख रहा था और बिल्कुल की हालत खराब हो गई थी तो बता है पढ़ो भी आगे क्या लिखा है कि तुम्हें पढ़ना नहीं आता है तुमने तो पता मुझे पढ़ना आता है हाँ हाँ

क्या ये मेरी उमेगा क्या ये वहीं मेरे पर तो ये सब नहीं करवाना करवाने वाला था तेंगो मैंने इस वो कुछ और बोल कुछ और करने को बोल दिया नहीं तो ये, मेरे मुझे ये सब कुछ करवा था इसके साथ अगर उस जगह पर वोमिट आ रही थी मुंह पर हाथ रखे रह थे तो देखना होता है मुंह पर हाथ रखा था है क्या हुआ तो अपना मुँह से हाथ रखा है और बताए नहीं कुछ नहीं तो है पढ़ो क्या लिखा है तो पढ़ता हूँ अब ओमेगा को बज पर लिटा दिया था और धीरे धीरे उसकी ड्रेसेस भी हटा दिए थे और उसकी वाइट मिल्किन ने बोला है।, है।, मिल्क है तो नविंग जो लंदन को लिखता है।, है इसका मतलब ओमेगा की स्किन बहुत वाइट है तभी वो मिल्कि लिखा है तो उल्लन ने बोला ओ अच्छा तो लंदन लंदन आगे भी करता है में, बॉडी में वो एल्फा खो जाता है अब जो ओमेगा की ट्राउजर को ये बुक नहीं पढ़ सकता हूँ ये बहुत गंदी बुक है तो वही तुमने क्या बोला तुमने मेरी पसंदीदा बुक हो गंदी बुक बोली हाँ तो क्या ये इतनी गंदी बुक तुम्हारी पसंदीदा तो वे बताए तुमने फिर इसको गंदी तुमने फिर इसको गंदी कहा तो गई वो, वो, नहीं, नहीं, नहीं है ये तो बहुत अच्छी बुक है ये कहाँ से मिलती है लंद तुम ये बुक से लाए हो मुझे जगह जगह का नाम बता दो तो भी। लंगे को बोलता है क्यों तुम्हें क्यों बताओ तुम्हें, बता, तुम्हें, बता, तुम्हें बता, ये बुक इस बुक के लिए मेरी सारी फ्रेंड्स मरती है और वो मेरी इतनी रिक्वेस्ट करती है कि हम उसको एक रात के लिए ये बुक दे देते पढ़ने के लिए मैं क्यों उनको कितनी मुश्किल से मुझे बुक मिली है उनको देखकर बुक को खराब नहीं करना है इतनी बुरी तरीके से वो लोग ये बुक पढ़ते हैं सारी बुक को खराब कर देते हैं मैं क्यों दू उनको अपनी बुक फेवरेट बुक और ये मेरी सबसे स्टोरी है। चलो, इसको मैं जितनी बार भी बता हूँ बोर नहीं होता हूँ चलो लंजन चलो मुझे तो, तो क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे सोने तक मैं ये स्टोरी पढ़ू तो वही पता है तुम नहीं पढ़ोगे तो लंजन लंजन को देखा था यही बोलता है पढ़ोगे या नहीं अगर नहीं पढ़ना है तो बता दो फिर मैं लंदन की ड्रेस की तरफ देखता

इन दोनों के एक दूसरे के साथ शादी हुई है तो बिल्कुल बोले हाँ शादी हुई है तो क्या ये सब करते हैं एक दूसरे के साथ तोल तो बोलते हैं और तुम्हारी शादी हुई है तो, है तो है। क्या हम दोनों भी तो हिलाता है तो जो है तो आ जाओ मेरे पास तुमने तो पढ़ लिया है ना अब चलो स्टार्ट करते हैं तो नंदन जो हो जाता है

अब लेर की जाती है पानी भर दी है जग में अब जो पानी भर रही थी हम तो लेने के, के पास आ जाते हैं में था तो जो अपना हाथ बढ़ाता है के जो इनके पास ही बैठ के पास ही खड़ा था तो इनको अपना हाथ बढ़ाता है लेने जो इनके जाता है बोला था बहुत मजा आएगा तुम्हें जी ये सुनता है

के मारे अपनी माँ के रूम तो में जाता है तो माँ सामने जाकर अपनी माँ को पकड़ लेता है अपनी माँ को टमी टन हका लेता है और लैन जितना था लंजन तो तीच तो तो की माँ के हाथ से जल का पानी जो गिर नहीं हुआ था बच गया था लेने के अचानक से अपनी माँ को हका लेता बहुत टाइम लगे लहन इतना घबरा गया था तो लंजन की माँ छाती जाती तो इसमें जो वहीं हंसते हंसते रूम से बाहर निकलता है और वहीं को नहीं पता कि की बाहर ही निकलिए को इस बात के देखिए बताओ वहीं जो हंसते हंसते आता है रूम से बाहर और जैसे रूम से बाहर निकलता है देखता है हंसते हे बाहर निकलता है लेने को पकड़ने के लिए आता है

लंजन आओ अपने रूम में आओ चलो और वहीं जो आ रहा था तो लंद नहीं 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 मुझे मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना है मा, मा मुझे साथ नहीं सोना है माँ प्लीज मुझे अपने साथ सुना दी कि मुझे इसमें साथ नहीं सोना है तो वही जो शब्द और लंदन की माँ को देख रहा था तो तो लंदन तुम यही है लंदन तुम तो एक कैफा हो तुम तो ऐसे कैसे अपने माँ के साथ तो इसमें जो लंदन की माँ है नो वहीं लंदन को आज रहने दो आज लंदन को मेरे पास ही छोड़ दो तुम जाओ आराम करो तो वहीं जो लंदन की लंदन की माँ को देख रहा था लंजन की माँ जो स्मार्ट करके ऐसा सब होते अगर वो लंजन के बता तुम मेरे साथ सो सकते अगर लंजन की माँ जो लेंजन अच्छौने को अपने तो रूम में, में, में ले जाती तो लंजन जो जा रहा था लंजन ने अपनी माँ को बहुत प्यार किया वो था जो रंग शौक चाहता जाता मेरे मुंह बना लेता अगर रिंग जो बताए सुबह होने दो ये बस मुझे अकेले मिल जाए इसको फिर मैं सबक सिखाऊंगा तो अगर रिंग बताए मुझे इसको रूम से बाहर आने देना ही नहीं चाहिए था शिट पकड़ लेती

जो को, ने जब हाथ बांधे थे लंदन बहुत सैड था तो लंदन की माँ जो परेशान थी लंदन की माँ सोचती है कुछ पता नहीं है और इससे कैसी उमेगा मिल गई है जो कि काफी ओल्ड है और वो एक ओल है तो एक उमेगा जो जाती है, है। लंदन की माँ को सब कुछ पता था। इस का लंदन की माँ जो विंग को भी पूरा नहीं कह सकती थी क्योंकि लंदन की माँ को पता है कि एक को कोटिंग आती है और विंग जो ओल्ड है तो विंग ने कितनी हीटिंग जो इस तरह की बर्दाश्त की होगी तो लंदन की माँ जो को बुरा बना नहीं कहती उसको पता है कि वो क्यों ऐसा लैंड के साथ कर रही है वो लैंडन से कुछ चाहती है कुछ पता नहीं है तो चाहत पूरी नहीं कर सकता की माँ यही सोच रही थी वो विंग के लिए शादी हुई जिसको कुछ पता नहीं है तो लैनी की माँ यही सोच रही थी तो फिर नैनी की माँ तो ये सोचती माँ के साथ जो साइड था तो लंदन की माँ जो फिर नैनी के पास आती है एक के पास के पास आती है को, तो को हक कर लेती अपने सीने पर रखती लेते रख दी सब कुछ ठीक हो जाएगा रिलैक्स बट कुछ भी गलत नहीं हुआ है वो तुम्हारी उम्मीदा है तुम दोनों की शादी हुई है पर तुम्हारा हक हाँ है और तुम्हारे पर बिंक तो अगर वो तुम्हारे सारे सब कुछ भी करे तो कोई भी उसको इस बात की सजा नहीं दे सकता तो लंजे बोते नहीं दे सकता है तो फिर मुझे क्यों क्योंकि वाशरूम में गिर गया था उसके फिर से बात पर आगे बोला मुझे सजा दी अभी शादी करा दी उसके साथ जिससे मैंने वैसे गिरा था मैंने तो, तो मुझे मैं तो देखा भी नहीं था तो वो लेंद्रेन कि माँ जो होती है लेन से उस टाइम तुमने मुझे शादी नहीं हुई थी ना बड़ा हो गई है अब तुम जो भी करो तुम्हें किसी बात की सजा नहीं मिलेगी और वो जो भी करेगी और उसको नहीं मिलेगी और तुम अपनी ये बातें किसी और के साथ शेयर मत करना ओके तो जो मैं माँ को देखा था लेने की माँ बोती है याद रखना किसी को भी ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुमसे कुछ चाहता है और तुम उससे चाहत पूरी नहीं कर पा रहे हो तुम किसी के साथ ये बातें शेयर मत करना अगर किसी को पता चल गया तो जो होगा लेंजन तुम बर्दाश्त नहीं लगाओगे तो लेंजन तू शौक में था लेंजन को कुछ नहीं है पता कि माँ क्या बोल रही है क्या मतलब है माँ का और शायद मेरे व्यूवर्स को भी नहीं है पता है ना कि आखिर माँ क्या बोल रही है पता चल जाएगा आगे चलते हैं तो इसमें जो लंदन <गला> की माँ जो नैन को अपने पास सिला देती लंदन जो बहुत ज़्यादा डर रहा था बिल्कुल बच्चों की तरह वो काँ रहा था तो लंदन की माँ जो को देख लेती थी नैन सो गया था माँ लैन के एक तकिया पकड़ा देती क्योंकि नंदन की माँ लैन ने अपनी माँ को हक किया हुआ था और लंदन ने कह है तो नंदन की माँ जो उसके सलाक कर नहीं दे सकती थी तो वो लंदन के करीब एक तकिया पकड़ देती थी तो लंदन ने टक्के को पकड़ा हुआ था वैसे भी जो हमारा सिंह कहते जाता है हमें सुबह कैसे दिखा रहे सुबह होती है लहसन की माँ जो ब्रेकफास्ट बना रही होती है और लहसन जो लंदन जब भी माँ के साथ कह के काम कर रहा था है वहीं जो रूम में होता है लंदन की माँ जो ब्रेकफास्ट बना रही थी तो लंदन जब जा भी माँ के देख रहा था है लंदन की माँ जो ब्रेकफास्ट बना रही थी और फिर लंदन को बोलती है कि लंजन मैं आती हूँ ये ब्रेकफास्ट वहीं को देखकर मैं आती हूँ तो फिर हम दोनों बैठक ब्रेकफास्ट करते हैं ओके फिर लंदन जो अपनी माँ को देखते लंदे बोलते हैं माँ अब उसके लिए ब्रेकफास्ट रूम में के लेके जाती हो वो बाहर बैठे करेगी ना हमारे साथ लंजन की माँ को लंजन बोला था ना उसकी शादी हुई है तो लंजे बोलते आज दूसरा दिन है माँ तो लंदे की माँ जब तक सात दिन पर नहीं हो जाते वो घर कोई काम नहीं कर सकते है। तो, तो माँ को देखते माँ दे 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 के है। अभी की मा की लिए अभी लंदे की माँ जो टटी बट इसी में जो बिग आवाज़ देता दे है कि कौन तो नंदे की माँ शौक नहीं हो जाती तो नंदी की माँ बोलती है कि मैं हुई क्या तुम जाके हो तो तुमने विंग बताया अभी वेंग जो होता है तो उनका गेट खोलता है कि माँ जो बिंग को देखती नंदी की माँ शौक हो जाती विंग ने चावल लिया था अब नहीं जो ड्रेस भी चेंज की थी वहीं बिल्कुल मैं रेडी था अपने हेयर बालों को कंगी करके वहीं बिल्कुल रेडी था बिल्कुल तैयार तो लैन देखिए माँ जो वहीं को देख रही है लैनी की माँ भी कुछ शौक में थी वहीं जो पता है वहीं नैनी कि माँ को देखता है मतलब माँ के पास जो बेकाश होगा था तो देखा की माँ जो बता भैया तुम कहीं जा रहे हो तो वहीं जो बोलते हैं तो है तो 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 है नहीं।, तो है, नहीं मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ तो नैनी की माँ बोती फिर तुम इतना रेडी क्यों हो तो वहीं बताए रेडी मैं रेडी तो नहीं हूँ मैंने जैसे ड्रेस चेंज किया है तो माँ है कि तुम रेडी नहीं हो तो वहीं बोलते नहीं तो so, लेने की माँ शुक्र होती लेने की माँ बोलती ये, ये रेडी नहीं है तो ये जब तो रेडी होता होगा तो कैसा लगता होगा लेने की, ले ले तो की माँ जो विंग देख रही थी और इन जो लेकिन की माँ से ब्रेकफास्ट ले लेता है तो लेने की माँ जो वीन को दे लेती जो वहाँ से कर जाते हैं हम एक दिखाते हैं कि ये लोग लेने की माँ ब्रेकफास्ट करते तो लेने की माँ बोती है लंसैन तुम घर पर ही रहो मैं पानी भर पर आती हूँ ओके फिर मैं जैसे आ जाऊँ तो फिर तुम जहाँ चाहे जा सकते हो पर तब तक तुम घर पर ही रहना तो को घर में अकेला नहीं छोड़ना है ओके तो तुम्हें बताए माँ आप अकेले जा रही हो तो लेने की माँ बोती हाँ तो इसमें चले बोलते हैं आप अकेले लेके जा रही हो उसको भी लेके जाइए ना तो जायें की माँ बोलती किसको महीन को तो लेंद्र बोलते हैं हाँ उसमें भी लेके जाइए उसको भी पता चल जाएगी आप पानी कहाँ से भर के लाती हो ताकि वो धीरे धीरे गलती काम करना सीखे तो लंदर की माँ बोलती है हाँ हाँ वो सीख जाएगा उसके पहले आराम करने दो तो, वो धीरे धीरे सीख जाएगा तो लेंद्र बोलते हैं सीख जाएगा कब सीखेगा अभी नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे अब इसमें चल आवाज देता है कि ए एमरा रूम से बाहर निकलो मोम पानी भरने के लिए जा रही है

एकदम शोक में जाता है वो विंग को देख रहा था और विंग क्या है तुम क्यों चिल्ला रहे हो तो लंदा खुश मिलते लेने की माँ जो लेने को देख रही थी तो बताए, वो, वो, वो में, में रहा था मैं क्या कह रहा था भूल गया था नजर माँ पर जाती थी माँ के हाथ में मट्टी पकड़ी थी तो माँ को देखते रहा है बोलते हाँ ममा के साथ जाओ पानी भरने के लिए मामा का सारा काम करती है तुम महारानी की तरफ कमरे में बैठी हुई होती हो महारानी हो तुम तो विंग जो बताए तुम अंदर आओं के हाथ पकड़ लेता है और

माँ मा, मा बोलती है विंग अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो तुम नहीं जाओ मैं चले जाऊंगी तो विंग जो अब ना तो बोल नहीं सकता था विंग बोल नहीं आंटी मैं आपके साथ जाऊंगा विंग तो जाने का बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि विंग तो घर का को कोई काम नहीं करता है तो विंग जो मजबूर आंटी के मतलब लेंदे की मार के सामने विंग हाँ कर देता है अभी यहाँ करके विंग जो जा रहा था तो लेंदे बता कहा जा रही हो रुको ये मटकी कौन उठाएगा पानी के हाथ में उठा के लाओगी तो तो विंग को जो लेंदे पर गुस्सा थे और बोलता है हाँ क्या बोला तुमने तो उल्ला ने बताया बोला था कि मटकी को कौन उठाएगा वो रही मटकी उठाओ तो नंजन तो लंदर देख रहा था तो ने बताया मा, माँ माँ आप देख रही हो है बताया हाँ हाँ बताओ उठा रही हूँ ना उठा रही हूँ अगर जाता है मटी को लंदन का देख रहा था और लंदन जो देख रहा था तो रिंग जब माँ के साथ जाता है अब लंदन की माँ जो बोती है की माँ जो धीन बोती है तो लंजन ने रिंग को मेरे साथ भिजवा दिया इसको बाहर इसने देख लिया तो आज तो बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है जहाँ से मैं पानी लाती हूँ वहाँ और लंदे की माँ यही सोच रही थी और डरी हुई थी लंजन की माँ बोती भी, भी तुम रहने दो तुम घर जाओ ये मटकी मुझे दे दो मैं दोनों मटकी भर के ले लिया तो तो वहीं जो होता है नो आंटी मैं आपके साथ जाता रहा इसी बहाने थोड़ा सा आप लोगों का गाँव भी देख लूंगा माँ जो इन को देख रही थी जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था तो लंदे की माँ जो डरी हुई थी अब इन जैसे ही अपनी कदम घर के बाहर रखता है अविंग की माँ और नहीं लंदन की माँ और जा रहे थे और ये दोनों जैसे ही पानी के लिए जा रहे थे तो जैसे ही कदम बाहर रखता है तो आस पास के नेबर्स जो देखते हैं कि लंदन की माँ और लेंदन की वाइफ मतलब लेंदन की ओमेगा विंग ये दोनों ही पानी बनने के जाते तो सब आस पास के लोग जो अपने सब जो इतनी शौकन हो जाते हैं और लेंदन की माँ विंग को देख रहे थे लेंदे की माँ जो आस पास के लोग को देख रही होती सब जो आंखें फाड़ फाड़ कर विंग को देख रहे थे विंग विंगे जो वाइट ड्रेस पहना था और विंग जो मटकी पकड़ी थी तो वो जा रहा था और विंग जो बहुत ज्यादा शाइन मारा था विंग का फेस जो सनलाइट की वजह से विंग जो अभी थोड़ी देर धूप में निकला है तो विंग का फेस जो इतना रेड हो जाता है सनलाइट में और लेंदे की माँ विंग को देखती है तो विरोध अपना पसीना साफ कर रहा था तो लेंदेन की माँ बोलती क्या हो विंग तो जो वो है और नहीं कुछ नहीं और वीन तो बिल्कुल भी आदत नहीं है ऐसे कामों का पर कांग जो बोल नहीं रहा है क्योंकि वो लंदर की माँ को अकेले नहीं छोड़ सकता है तो ज्यादा है सब लोग वीन को देख रहे थे लंदर की माँ सब को देख रहे होते हैं कि थे माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अब जैसे में लेंदन के लिए बहुत खुश होता है कि वीन पानी भरने के लिए गया है वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि वीन ने मेरी बात सुन ली बहुत खुश होता है कि मैंने अंकल की बात सुन ली अपनी उम्र को अपने कंट्रोल में रखा है वो मेरी हर बात मानेगी वो मेरी हर बात मानेगी सोच रहा था इसमें जो हमें बात बाद बहुत टेंडी जाता है लहजन की माँ जाती है वहीं जो आ रहा होता है विंग की सारी ड्रेस गीली हो गई थी है, नीचे की तरह से और विंग ने जब ड्रेस पकड़ी थी विंग आ रहा था लहजन की माँ जो घोसते कोसते आ रही थी और यही बोल रही थी कि इनकी हिम्मत कैसे हुई बैठ करो मैं इनके घर में इनके पेरेंट्स को जाके बताऊंगी एक दफा मुझे बस घर पहुंचने दो मैं इनको सबसे हूँ लेंजे की माँ बोल रही थी डांतते डांति आ रही थी अब विंग ने जब ड्रेस पकड़ी हुई थी इनकी सारी ड्रेस गीली हो गई थी तो लंजन की माँ वो आ रहे थे तो लेंजन जो घर में ही था तो इसमें जो लंदर की माँ जैसे ही आती है विंग ने वक्त पकड़ी थी तो तो लेंजन देखता है लंदन की माँ दी है वो विंग आ रहा था विंग देखता है विंग के हाथ में कोई मटकी नहीं थी बट लंजन की माँ के हाथ में मटकी थी लंदर की माँ आती है मटकी को रख देती है अब लेंजन देख रहा था कि विंग के हाथ में कोई मटकी नहीं है जबकि जब जा रहा था इसके हाथ में तो थी थी और लंदर देखता है विंग ने ड्रेस डी थी वो सारी ड्रेस नीचे से जो गंदी हो गई थी तो लेंजन जो शकजन बताया क्या हुआ माँ और लंजन विंग को बता विंग माँ पानी भर के लाई है तुम्हारी मटकी कहाँ है तुम भी तो मटकी लेके गए थे ना

लंजन को देख दी लंदन बहुत खुश हो जाता है भी को शौक हो जाता है तो लंदन लंदन की माँ बोती है लंदन तुम खुश क्यों हो रहे हो तो लंदन बोल कुछ इस वजह से हूँ इस वजह से हूँ कि अब पंचायत में उनकी शादी शादी से हो तो जाएगी किसने तो की किसने तो लंजन की माँ जो ये सुनती है शौक हो जाती है और लंदन जो खुश था तो लंदन की माँ जो लंदन के पास आती है और लंदन के कान को पकड़ लेती है उसको जोर से मरोड़ती है तो आउच हैं मेरे कान छोड़ो मेरे कान क्यों खींच रही हो तो लंदन की माँ बोलती है कान क्यों खींच रही हो क्या बोल रहे हो तुम वो तुम्हारी उमेगा है

क्यों होगी विंग की शादी उनसे तो बताते जिस तरह मेरी शादी तो विंग के साथ हुई तब की शादी उनसे होगी क्योंकि विंग के साथ बदतमीजी की तो लंदन की माँ बोती विंग के साथ बदतमीजी की थी तो आप लोगों ने मेरी तो शादी विंग के साथ करा दी तो अब लोगों ने की है तो अब विंग की शादी उनसे होगी ना तो विंग जो शौक में था और लंदन की बातें सुनता है लंजन की माँ जो शौक होती है और लंदन की बातें सुनती है लंजन जैसे बिल्कुल लंदन को कुछ पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है को कुछ भी नहीं है पता विंग ये सोचकर इतना शौकन हो जाता है और की माँ इतनी शौक नहीं हो जाती है क्योंकि लंदन को इतना नहीं है। पता कि ये एक दफा किसी के साथ शादी हो जाती है तो दूसरे के साथ नहीं हो सकती है लंदन की माँ इतनी शौक हो जाती है लंदन के बारे में तो लंदन की माँ जब फिर विंग को देखती जो इतना है इतना हार्ड हो जाता है विंग की आंखें एकदम से नम हो जाती है लेकिन माँ को देखती रही थी विंग की आंखें नम नाम जो अपनी आंखें नीचे करके अपने रूम के लिए रूम में चला जाता है लंदन की माँ देख रही थी विंग जो बहुत सर हो जाता है लंदन की माँ जो देखती रही थी अपनी आंखों को साफ करते करते रूम में जा रहा था विंग की ड्रेस सारी गंदी हो गई थी

टच करने के बहाने वो मीन से मटकी खींच रहे लेते विंग कोई और टच करे ये भी तुम्हें दोबारा नहीं होना चाहिए तुम्हें विंग तुम्हारा है तुम्हारी शादी हुई है मैंने देखा था विंग को जब वो लोग टच करते को कितना बुरा लग रहा था तो लनजा जब अपनी माँ को देख रहा था की माँ चलने का फेस होती लनजाइन क्या तुम देखते नहीं हो आस पास के लोगों को वो अपनी का कितना ख्याल रखते हैं जब कोई किसी के साथ शादी कर लेता है तो उसको कितना ख्याल रखता है उसके साथ कैसे रहता है ये तुम देखते नहीं हो तो लंजे चौकी माँ को देखता है माँ को देख लनजन ऐसा ही चलता रहा तो फिर तो मैं छोड़ के चला जाएगा लेकिन फिर यहाँ नहीं आएगा थोड़ा तो सोच कर देखो लंजन लंजन जो कि माँ को देख रहा रह था और की कि माँ जो लैंड जैसे में जो हमारा सीन कर जाता है हमें अगला सीन दिखाते हैं लेंजाइन जो अपने अभी घर के बाहर बैठा हुआ किसी सोच में गुम था और लनजा जो बैठा हुआ था तो ऐसे में जो लनजेंगे ये दोस्त आ जाते हैं लंदन के पास अब जैसे ही के पास आते अच्छा तुम बाहर बैठो चलो अब तो लंदन जो अपने दोस्तों को देखते हैं के दोस्त को तो लंदन जब अपने दोस्तों को बताए मुझे तुम्हें कुछ पूछना है लंदे के दोस्त बोलते हैं पूछना है क्या पूछना है तो लंदन जो उनसे उनको देख रहा था और बोलता है वही पर चले जहाँ पर तुम मुझे कर लेके गए थे तो लंदन के दोस्त से शफ हो जाते लंदन को देख रहे थे अलंदन जो अपने दोस्तों को देख रहा था जैसे मुझे हमारा सीन जाता है हमें अगला सीन दिखाते के लंदन जो अपने दोस्तों के साथ उसी बहुत दूर जंगलों के बीच में बैठा हुआ था जंगल के बीच में जगह थी जाता था और लंदन के दोस्त जल्द बैठे थे इसमें जो अचानक से घड़ा जाता है वो बताया क्या तुम लोग कह रहे हो कि वैसा करूँ मैं जो दोस्त बोलते हैं हाँ ऐसा ही होता है तो लंदन बताए ऐसा होता है कि दोस्त बोलते हैं तो तुम्हें नहीं पता लंदन जो बोलता है ऐसा कैसे होता ऐसे कैसे हो सकता है तो लंदन के दोस्त बताए ऐसा ही होता है लंदन तो लंदन शुक्र होता है, लेंजन है तो उस, उसको दर्द नहीं होगा तो लंदन के दोस्त हंसते हैं है दर्द हाँ बहुत ज्यादा होगा और तुम्हें तो उसको मार भी करना होगा ताकि वो तुम्हारी बन जाए और फिर दूसरा है ओहो माँ का तो छोड़ छोड़ना वो तो ये फिर कर ही लेगा तो तीसरा बता है कि हाँ एक दफा इसको पता चल जाए तो ये उसके साथ कहता रहेगा जो इसका दिल चाहे तो लंजन जो उन सबको देखा था बताए क्या बोल रहे हैं ये लोग जो बोल रहे हैं क्या ये सच है ये लोग मेरी टांग खींच रहे हैं और जो अपने दोस्तों को बताया देखो देखो अगर तुम तो मुझे हो ना तो प्लीज ऐसा मत करो मुझे सही सही बताओ तुम क्यों मुझे उस पिटवाना चाहते हो तुम्हें लगता है तुमको पता है ना कि मेरी शादी जिससे हुई है वो पैंतीस साल की है वो मुझसे कहा भी बड़ी है है ना तुमको पता है ना तो वो फैन बोलते हैं हाँ हमें पता है तो लंजा पता है जब तुमको पता है तो तुम मुझे क्यों पिटवाना चाहते हो उससे तुमको क्या लगता है ये सब कुछ मुझे मुझे करने देगा तो फ्रेंड्स बोलते हैं जानते हैं हम कि तुम्हारी उमेगा बहुत बड़ी है वो तुम्हें ये सब लाओ नहीं करेगी बस हम तुम्हें तो पूछ रहे थे देखा था। और था, अच्छा तो तुम लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैंने अपनी उमेगा से मार उठाई है हाँ तुम लोग इसे खुशी में थे हाँ तो फ्रेंड्स जो हंसते हैं और बोलते नहीं तो लंदन बोलते हैं क्या तो फ्रेंड तो जाते हैं

कि हाँ ये माँ मा साथी से बातें कैसे करेगी मैं यही सोच रहा था में ने 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 दिमाग में सारी बातें गूंज रही थी कि घूम फिर के, के बाद इसी पर आ रही है मतलब हर जगह पे यही है मतलब यही ही होता है जैसे इसी बारे में ही सोच रहा था कि इसमें जो कुछ शायद में कुछ और लड़के बैठे हुए थे सारे अगे वही आता थे जिन लोगों ने इनके साथ बदमी थी वो जो बैठे हुए थे और हंस रहे थे और बोल रहे थे कि कितने है तुमने देखा था ना उसके शादी छोटे से सेल्फा के साथ हुई है

कहाँ जा रहे हो तुम तो, तो लेंजर जो उसको दिखा रहे हो लंजन बोलता है मैं घर जा रहा हूँ तो वैल्फा बताया घर जा रहे हो वहाँ घर में तुम्हारा कोई वेट कर रहा है ना तो लंजन शक्स में जा रहा है और को देख रहा होता है तो वो अल्फा है तो दूसरा बताए तंग मत करो इसको जाने दो इसकी मैं इसको वेट कर रही है तो ठीक है बताए हाँ इसको जाने दो ये थक गया है ना अभी जाकर मेरे की गोद में सो जाएगा तो लंदन जो उसको देखता है जितना गुस्सा नहीं हो जाता है को गुस्सा आ जाता है तो वो सब जो लग जाते तो से से उस 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 को देख रहा है तो होता है कि जो भी हो अल्फा जितना भी छोटा अल्फा ही होता है ओके उसमें बहुत ताकत होती है वो एक उमेगा का सामना नहीं कर सकते चीसा बताए ये चीसा बताए बोलने की बात है तुम्हें बता भी है कि इसकी मेगा कितनी बड़ी है हमारी इसकी है और ये इतना छोटा

फिर एक बता है वो आज पानी के लिए आई थी कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी यार यहाँ से तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है मुझे तो वही चाहिए। है, वो है। ही चाहिए तो तीसरा बताए ओह उसकी शादी हो गई है तुझे चाहिए तो यहाँ वहाँ देख कर बातें किया करो उसका हस्बैंड हमारे सामने ही खड़ा है अगर जब जो लंजन की तरह देख रहे हैं तो लंदन तुम तो देख रहा था तो तीसरा बता है ये उसका तो मतलब वो वर्जन है तो लंजन जो उसको देखते है सब जो पता है गुर्जन ओह नो हमें तो ये बात तो पता ही नहीं है

पार्ट की तरफ देख रहा था, और तो मुझे भी लगता कि इसका अभी इतना होगा भी तो लंजन शक्म हो जाता है सब जो हंसते लग जाते उनकी बातें वो लोग बहुत बुरी बुरी और अजीब अजीब से बातें कर रहे थे और लंदन का बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहे थे जो कि मैं भी कट कर देती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो रही है तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ ज्यादा मजाक उड़ाते के साथ हर एक बात करते हैं जो कि लंदन के साथ नहीं करनी चाहिए हर एक गंदी बात करते हैं और बिल्कुल साथ साथ बोल रहे थे तो लंदन जो बहुत ज्यादा शर्ट हो रहा था

जिन का दिगर दिमाग जो सुन अल्फाज के ऐस गिर था क्योंकि जब वो लोग ये सब बदतमीज़ी कर रहे थे तो वो लोग विंग के साथ भी इसी तरह की बातें कर रहे थे कि इसके अल्फ़ा ने तो इसको तो खुश नहीं किया होगा ये बेचारा ये बेचारा तो एक छोटे से अल्फ़ा के साथ इसी शादी होगी और तो जो इसको खुश नहीं कर पा रहे थे मतलब तो इस तरह की बहुत अजीब अजीब सी बातें वो बाते कर रहे थे भी जो बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहे थे क्योंकि वो सबके सामने ऐसी बातें कर रहे थे तो विंग नहीं बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था उनके आँखें नम हो रही थी वो इतनी चलिए गंदी बातें कर रहे थे तो इसमें जो तो हमें लंदन की माँ को दिखाया जाता जा है जो कि बाहर बैठी थी वो खाना पका रही थी और लंदन की माँ भी यही सोच रही थी ठीक जब वो अल्फाज जब इनके साथ अजीब अजीब से बातें कर रहे थे और लंदन की बुराई कर, तो कर रहे थे और नाइट नैर नाइट के बारे में बातें कर रहे थे कि लंदन ने तुम्हें कुछ नहीं किया होगा तो इसी तरह की बातें कर रहे थे लंदन की माँ को यही बातें याद आ रही थी लंदन की माँ जो हार थी ठीक है की माँ को तो पता है अभी तक वर्जन है तो लंदन की माँ जो यही सोच रही थी और लंदन की माँ जो खाना ही पका रही थी तो इसी में जो हमें भी को दिखाते हैं वींग जो अपने रूम में था जो पहले से बैठा हुआ था और बेड पर उसने अपना सर रखे हुए था हाथ रखे हुए थे और उसके ऊपर मैं हाथों के ऊपर सर रखे हुए था और जो रो रहा था यही बोल रहा था कि मैं मैंने क्यों देर कर दी मैं पहले ही बता देता अपनी चाची को और अपनी दादी को कि मैं मिंजू को पसंद करता हूँ तो आज मेरी शादी मिंजू से हो गई होती मैंने क्यों देर कर दी आज मैं यहाँ होता ही नहीं सब कुछ मेरी गलती है मैं लंजन को सजा देना चाहती थी पर उल्टा मुझे सजा मिल गई इसने मेरे रेबिट को मारा ना तो मैं बस इसकी सजा इसको देना चाहती थी मेरा रेबिट मैं उस रेबिट से बहुत प्यार करती थी मैं बस उस रेबिट की सजा इसको देना चाहती थी जबकि इसने मेरे साथ वॉशरूम में ऐसा कुछ भी नहीं किया था जब ये गिरा था इसने कुछ भी नहीं किया था ये उल्टा मुझे देखकर डर गया था पर मैंने इसको पहचान लिया था मैं जो इसको सजा देने के लिए मैंने इतना बड़ा झूठ बोला कि सेम ऐसा बदतमीजी की कुल का मुझे इतनी बड़ी सजा मिली मेरी शादी इतनी छोटे से सैरका से हो गई सब मुझे देखकर क्या कुछ नहीं बोल रहे हैं मेरा मजाक उड़ा रहे हैं क्या मेरी लादसी गुजरेगी इसने ऐसा क्यों किया रिंग ने ही बोला था सैद रिंग ने बिना जाने एक लड़के को सजा देने चाही जबकि रिंग को सच का नहीं है पता उसको सजा देना चाहता था और ऐसी ऐसी सजा नहीं वहीं चाहता था कि पंचायत वाले इसको गाँव से निकाल दें वहीं नीयत अच्छी नहीं थी इतनी बड़ी सजा लैंड को देना चाहता था उल्टा विंग को ऐसी सजा मिल रही क्योंकि भी इनको पूरी जिंदगी को ऐसी सजा मिल रही पल की इंसल्ट हो रही है विंग इनका जो मजाक उड़ाया जा रहा है लैनजा को लेकर तो भी जो बहुत था क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा गंदी बातें कर रहे थे जिसमें कुछ बातें तो मैं कर चुकी हूँ पर ज्यादा मैं नहीं कर सकती हूँ तो विंग जो बहुत सर्टलिंग रो रहा था अभी नहीं बोला था सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना मैं एक लड़के को सजा देना चाहता ना मेरे साथ ऐसा कुछ होता ना होता उसकी सजा मुझे मिलती मैंने मिंजू को नहीं बताया कि मैं उसको पसंद करती हूँ किसी को नहीं था पता काश मैं बता देती मैं आखिर किससे डर रहा था क्यों डर रहा था मैं एक बार हिम्मत कर लेता और बता देता आज मैं मिंजू के पास होता मिंजू का होता अपने प्यार का होता उससे मैं प्यार करता मैं यही सोचा था और बहुत ज़्यादा डर था यही पछता रहा है कि मैंने अपने प्यार का सहार क्यों नहीं किया किससे डर रहा था बस एक बार कर सो लेता फिर उसके बाद जो होता देखा जाता यही सोच रहा था और विंग बहुत सैड था वन को अपने किए पर पछतावा था क्योंकि वेंग की बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया था जैसे मुझे ये दिन बीत जाता है। विंग के लिए खाना रूम में ही जाता है क्योंकि लंजन की माँ को पता है कि वेंग सैर बहुत मुश्किल से वो विंग को खाना खिला देती वो खाना खिला देती ये रात के दिन जो बीत जाते हैं हमें रात के से ज्यादा रात हो जाते लंजन जो हाथ में धकेले हुए था और माँ के सामने खड़ा था वो बोलते हैं माँ माँ प्लीज मुझे अपने साथ सुला दो मुझे बाहर नहीं सोना है वो आती है और फिर वो मुझे जबरदस्ती अपने रूम में ले जाती है तो लंदन की माँ बोती है ले जाए अब नहीं भाई तक सो जाओ मैं बाहर सोना है और अगर वो तुम्हें रूम में ले जाए तो उसके साथ जाओ रूम में तो लंदेन जब तो बोलता है माँ माँ नहीं मुझे उसके साथ नहीं जाना है मुझे उसके साथ रूम में नहीं जाना है वो मेरे साथ बहुत गंदी तो इसमें जो लेंदी की माँ अपने कानों पर हाथ रख देती थी और बोलती है तुम ये बातें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो वो तुम्हारे साथ जो करे उसका पूरा हक हाँ बनता है उसको करने दो जो वो करना चाहती है तो क्या आपको पता है वो क्या करती है तो इसने जो लंदन की माँ बोती कहा ना वो जो करना चाहती है उसको करने दो और जो तुम पर करवाना चाहती है वो करो तो लंदन तुम शुभ बोते मां आपको पता है वो मुझ पर क्या करवाना तो इसमें जो लंदन की माँ बोती है लंदेन बाहर निकला मेरे रूम से

तो लेंजन जो शक्न हो जाता है तो इसमें जो लेंदन जो थकिया हाथ में पकड़े हुए था लेंदन इतना डरा हुआ था और विंग रूम को ही देख रहा था पिंग रूम को विंग रूम का गेट बंद था लेंजन उसी को देख रहा था वो लोली सोलही लिविंग रूम में लेटने के लिए वो जैसे ही आता है थकी तो को लग जाता है अभी लेंजन जैसे ही बैठ जाता है और लेट नहीं वाला होता है तो होता है कि वेट करूँ मैं पहले अपने रेबिट को तो देख लूँ कि वो कैसा है अब वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है लेने यही सोच रहे हैं और अभी थक उसी उसी जगह पर रखें छोड़ कर चला जाता है रेबिट के पास और जैसे ही रेबिट के पास जाता है रेबेड को देखता है रेबिट जो रेबिट से सोया हुआ था और रेबिट ने खाना भी खा लिया था जो लेंजन ने प्लांट्स रखे हुए थे रबेड ने वो आधे भी आधे खा लिए थे लेंजन बहुत खुश था और लहन जो स्मायल करता है रेबेड के जख्म भी बहुत बेहतर था लेंजन लेंजन है जो फिर उसको गुड नाइट बोलता है और लेंजन आ रहा था तो लंदन जैसे ही आता है देखता है सामने ही जो एक उमेगा खड़ी थी और वो लंदन को खुशी से देख रही थी और वो देखिए कहाँ गए थे तो लेंजन जो उसमेगा को देखता है तो वो मेगा और कोई नहीं वींग था वाइंग को देख रहा था तो लंजन बोलता है वो मैं तो लेंगे लेंगे का हाथ पकड़ता है और बोलता है चलो तो लंजन जो चौक में जाता है ने लेंदे का हाथ पकड़े हुए था और उसको लेकर जा रहा था अपने रूम में तो लंजन जब अपने आपको खींच रहा था लेकिन बताया छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे रूम में नहीं सोना है मुझे नहीं सोना है रूम में मैं बाहर सो जो लंजन की तरफ फेस करता है और बोलता है तुम मेरे साथ ऐसा गुस्से में बोलता है तो लंजन जो चौक में था वी को देख रहा था जैसा बोलकर लंजन को खींचते हुए लेकर जा रहा था

अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि आज तुम मुझसे बचकर जाओगे तो ऐसा जाओ तो नहीं होगा समझ आई समझ आई मुझे अब वर्जन नहीं रहना है अब बस तुम्हारे साथ मेरी शादी हुई मेरी लाज बर्बाद हो गई है तो अब मुझे तुम्हारे साथ ही रहना होगा तो मैं अब और वर्जन नहीं रहना चाहता हूँ तो वही गर्जन बोलता है वर्जन वर्जन किसे कहते हैं तो वही जो बोलता है वही मैं बताऊंगा भी और तुम्हें तो दिखाऊंगा

अब जितने मेरी है जाए तो ये तो इतना ही होगा ना जिसको इसने कहा कि मतलब मुझे पैसा लगा कि तो मेरे पास भला होगा भरा क्यों होगा मैं जितना हूँ तो मेरे पास ऐसा ही होगा ना तो जाए जब भी बन गया देता है और बताइए मैं क्या बोल रहा हूँ कितना फैमिली कितनी फैमिली महंगा है मेरी मुझे भी अपनी तरह बना दिया है ये सिर्फ ये देखना चाहती थी इतने दिनों से इसीलिए मुझे मेरी ड्रेस को चाहती थी मुझे इसको नहीं छोड़ा था सिर्फ इसको यही देखना था और यही सोचा था और बोला था कितनी फैमिली से ये जो हमारे पड़ जाता हमें सुबह कैसे निकालता है सुबह लंदन की माँ जब रूज करती है फिलहाल जो बाहर ही सोया था की माँ फिलहाल के पास आती है बोलती है तुम आज भाई सोए हो क्यों आज ने तुम्हें रूम में नहीं बुलाया तो ला जैन है गया था तो नंदा की माँ बोलती है तो फिर तुम बाहर क्या कर रहे हो तो लैन को है मुझे फिर बाहर निकाल दिया उसने तो लहन की माँ बोलती है बाहर निकाल दिया फिर क्यों बता है याद आता है तो लंदन जब ये बात तुम को नहीं बताता है

जो शौक में था मतलब एक टाइम के लिए लेंजन मिस कर रहा था लेजन जैसे एकदम शौक़ हो गया था कि विंग को क्या हो गया ना नवीन रात पे लेंजेन के पीछे आता था, था ना दिन को उसके साथ तो उसको उसके साथ बातें करता था लेंजन जो हमेशा विंग को गटी कहाँ करने को बोलता था विंग के बस ना करके अपना रूम बंद कर देता था ये दिन इसी तरह विंग के रूम नहीं थे और विंग के बस रूम में ही सेट होता था और अपने वही बुक्स पढ़ता रहता था, था और बस अपने नसीब को लेकर रोता रहता था लेंजन की माँ शौक समझ पाती थी कि वहाँ थे हर वक्त नम होती थी हर टाइम नम होती थी

लकड़िया तोड़ दो और ब्रेखास्त कर लो लो और, और जल्दी से रेडी हो जाओ और जाओ तो पीछे जाओ ओके तो लंदन जो होता है हाँ लंदन यही होता है इसलिए जो जाने से याओ जो भागते हुए आता है और होता है मैं आ गया हूँ माँ तो लंदे की माँ लंदन शोकमो जाती है आवाज़ लंदन की माँ जब देखती है तो याओ था याओ जो भागते हुए आता है आता है अपनी माँ को कर लेता है तो लंदन की माँ जो सुख हो जाती है वो बोती याओ तुम किसके साथ आए तो इसमें पीछे से मिंजू आ जाता है और बता है मेरे साथ तो याओ की माँ तो लंदन की माँ जो मिंजू को देखती है लंदन देखता है तो दोनों सुख शोक, हो जा है। जा है, है, तो शोक हो जाते हैं जा जा जो याओ को लेकर आया था और याओ जो इतना तो खुश था इनको पैसे जाता है कि मिंजू आया है तो भागते आता है और मिंजू जो यान और माँ में खा रही थे तो इसमें जो विंग आता है और जैसे ही आता है तो मिंजू को देखता है तो जो मिंजू का नाम लेता है मिंजू तो मिंजू का नाम लेता है तो मिंजू जो अल्लाह जब इनको देखते है और की आंखें तो इतनी सूरी हुई थी मिंजू जो विंग को देखता है तो मिंजू एकदम में हो जाता है विंग की आंखें आंसू से भरी हुई थी विंग भागते हुए आता है और अचानक से अचानक से मिंजू को हक कर लेता है इस बात की परवाह किए बग़ैर कि मैं कहाँ खड़ा हूँ आस पास कौन है वो बस को देखकर इतना खुश हो जाता है मीन विंग को देखता है तो एकदम में हो जाता है विंग भागते हुए जाता, जाता है मीन को हक कर लेता है शौक में हो जाता है लेन देखता है तो वो भी शौक में हो जाता है विंग ने मिंजू को हा किया था बहुत पहच करके याओ लेंजन अब लेंजन की माँ विंग को देखते हैं शौक में हो जाते हैं शौक में थे ये तीनों कि विंग ने मिंजू को हक क्यों किया है क्यों हक किया है लेंजन को बहुत बुरा लगता है कि विंग ने मिंजू को क्यों हक किया है मिंजू इस टाइम इस वजह से शौक नहीं था विंग ने मुझे हक किया है मिंजू विंग को देखकर कर शौक में था कि विंग को क्या हो गया है विंग का फेस बिल्कुल विंग का रंग बिल्कुल पीला पड़ गया था विंग सेट था और विंग रोते हुए यही बोलता है कि मुझे यहां नहीं रहना है मुझे यहां से लेकर जाओ मिंजू मुझे यहाँ नहीं रहना है मुझे इस घर में नहीं रहना है जो तुम तो आ गए मुझे लेने के लिए मिंजू विंग की बातें सुनता है मिंजू एकदम सर्ट हो जाता है हट हो जाता है कितने वैसे कर जाते हैं हमें दिखाते हैं वहीं अपनी जाने की तैयारी कर रहा है तो हमें लंजन को दिखाते हैं लंदन लंदन की माँ को बताते हैं माँ वहीं भी जाएगा क्या तो लंदन की माँ बोलती है हंसती है और बोलती है हाँ ठीक है की भी शादी हुई है ना सात दिन हो गए याओं याओ की शादी एक ही दिन हुई है ना तो या वो आए हैं तो वहीं को भी जाना होगा ना तो लंजन जो पता है वहीं कितने दिन रहेगा वहाँ तो हम माँ बोलती है सात दिन तो लंजन बोलती क्या सात दिन ये वहाँ होगा तो माँ बोलती है हाँ

ऐसी कभी भी, भी, भी विंग नहीं दी थी बट आज विंग जो है, तो है।, है। इससे पहले तो विंग को देखा तो लंदर चौक में, शौक में।, कैसे में कर जाते हैं और विंग जो रो रहा है और विंगही बोला है की मैं दोबारा नहीं जाऊँगा मुझे वहा नहीं जाना है मैं दोबारा दादी में बोला हूँ मैं दोबारा नहीं जाऊँगा तो दादी जो देखती है मिजू और मिजू की माँ मतलब की चाटी सामने खड़ी थी अविंदो यही बोल रहा था मैं नहीं गाऊंगा तो दादी जो मिंजू को देखती मिंजू जो दादी को देखता है दादी जो भी मिंजू की माँ को मतलब मिंजू की माँ को देखती तो मिंजू की माँ भी रिंग को देख रही थी अविन जो बहुत ज्यादा है वो सह था तो मिंजू और मिंजू की माँ जो रिंग को देख रही थी अविन जो ना जाने का बोल रहा था कि मैं नहीं गाऊंगा तो दादी जो बाहर पर आती है और ओके ओके अभी तो तुम आज तो तुम आए हो ना अभी जो तुम यही रहोगे ना जब जाने का दिन होगा तो उस बारे में हम बाद में बात करेंगे अभी तो आज तो आए हो ना तो आज होना बंद करो तो अभी तो फिर अपना सर उठाता है और बताए मैं

अब प्रो नाम जब जब जाने का टाइम आएगा ना तब हम बात उसने तो वही दादी जो इस टाइम में चुप करा दी थी जो वही अब जो लाओ से है और में। तो माँ फिर से बातें करते हैं की जाती याओ जो अभी तक हुआ टेन है क्योंकि तो याओ की बातों से पता चल रहा था कैसा कुछ भी नहीं हुआ है तो याओ तो माँ थी शौक हो जाती है

आपसे तुम्हें बाहर सोने की कोई जरूरत नहीं अब इन चला गया है तो आप तुम अपने रूम में सो सकते हो अब सात दिन तक तुम तो अपने रूम में सो सकते हो अब मेरे भी रूम में सोने की कोई जरूरत नहीं लो सो तो जो जो माँ जो। जो अपनी माँ की बात सुनता है और बताए हाँ। पूछता है क्या नैन बाहर सोता था जो नंदन की माँ बोती है जो फिर हंसने लग जाता है नगजन जिया को देख रहा था हंस रहा था हमें रूम में है और देख रहा है